बटियागढ़ थाना अंतर्गत लड़ाई बमोरी गांव में बीते दिन मंगलवार को एक 7 वर्षीय बालिका बेबस नदी नहाने गई थी, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया व डूब गई, जिससे खोज के लिए SDRF की टीम पहुंची। शाम तक बच्ची को खोजने में सफल नहीं हो पाई। जानकारी के अनुसार काजल अहिरवार उम्र 7 वर्ष अपनी सहेली के साथ नहाने गई हुई थी। इस दौरान काजल का पैर फिसल गया व डूबने लगी। काजल को डूबते देख जोर जोर से चिल्लाने लगी, तभी आसपास बैठे लोग देखने में जुट गए। तब तक वह नदी में बह गई थी। सूचना मिलते ही मौके पर परिजन पहुंचे। परिजन द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची बटियागढ़ पुलिस वाले भी तलाश किया। इसके बाद दमोह से गोताखोर की टीम भी पहुंची, जो शाम तक प्रयास करते रहे, लेकिन बच्ची का पता नहीं चल सका। सुबह करीब 6 बजे 15 सितंबर बुधवार को बच्ची का शव नदी में ऊपर आता हुआ मिला। मौके पर पुलिस ने पंचनामा तैयार करके शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। भारतीय न्यूज़ के लिए दमोह से चतुर्भुज बिट्टू दुबे की रिपोर्ट। कल लड़ाई बमोरी गांव में बेबस नदी में एक बच्ची काजल पिता राम गोपाल अहिरवार उम्र लगभग 7 साल नहाते समय पानी में डूब गई थी। और हमने उसमें काफ़ी मेहनत की, गांव वालों ने मेहनत की, उसमें SDRF की टीम भी आई थी, लेकिन कल हमें सफलता नहीं मिल पाई थी। आज दिनांक 15/9/21 को सुबह लगभग 7 बजे उसकी डेड बॉडी हमें मिल गई है और हमने मार्ग कायम करके जाँच चालू की है। Subscribe now to most exciting channel ever.